एक औरत ने तीन संतों को अपने घर के सामने देखा। वह उन्हें जानती नहीं थी। औरत ने कहा, कृपया भीतर आइए और भोजन करिए। संत बोले, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? औरत, नहीं, वे अभी बाहर गए हैं। संत, हम तभी भीतर आएंगे जब वह घर पर हो। शाम को उस औरत का पति घर आया और औरत ने उसे यह सब बताया। पति, जाओ और उनसे कहो कि मैं घर आ गया हूँ और उनको आदर सहित बुलाओ। औरत बाहर गई और उनको भीतर आने के लिए कहा। संत बोले, हम सब किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते, पर क्यों? औरत ने पूछा। उनमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है। फिर दूसरे संतों की ओर इशारा करने कर के कहा, इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। हम में से कोई एक भीतर आ सकता है। आप घर के अन्य सदस्यों से मिलकर तय कर ले कि भीतर किसे नियमित करें। औरत ने भीतर जाकर अपने पति को ये सब बताया। उसका पति बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा है तो हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए। हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी, मुझे लगता है कि हमें सफलता को आमंत्रित करना चाहिए। उनकी बेटी दूसरे कमरे से यह सब सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है कि हमें प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो, हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए। उसके माता पिता ने कहा। औरत घर के बाहर गई और उसने संतों से पूछा, आप में से जिनका नाम प्रेम है वे कृपया घर में प्रवेश कर भोजन ग्रहण कर ले। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। बाकी के दो संत भी उनके पीछे चलने लगे। औरत ने आश्चर्य से उन दोनों से पूछा, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था, आप लोग भीतर क्यों जा रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, यदि आपके धन और सफलता में से किसी एक को आमंत्रित किया होता तो केवल वही भीतर जाता। आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम कभी अकेला नहीं जाता। प्रेम जहाँ जहाँ जाता है, धन और सफलता उसके पीछे जाते हैं। धन्यवाद।